गरीब लोगों का घर है, हमारे अम्मी हमारे वालिदा हमारे भाई के घर में सिलेंडर जो है नहीं लग रहा रेगुलेटर बोल के एचपी गैस वालों की कंपनी से फ़ोन करें, हमारे भाई आदमी को बुलाए, वो आदमी आया आके जो है अपना रेगुलेटर लेके अपना चेक करने का सब चीज़ लेके आके वो रेगुलेटर को लगाए, लगा के देखे तो नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने क्या करे पता नहीं, उसमें ज़ोर से दबा दिए क्या करेगी, तो थोड़ी सी गैस निकली उसमें से, तो फिर हमारे वालदा बोले नक्को भाई नक्को लगाओ ये हमारे वापस कर देंगे, दूसरा ला लेते हम लोग, नक्को लगाओ इसको बोले, तो मैं सुना वो आदमी जो लगाने आया था, अब उन्हें नहीं 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 मैं करता हूँ मिल गए ज़बरदस्ती, फिर दोबारा वो रेगुलेटर लगा के उन्होंने अपने जो लाइटर से जो है सिलगा दिए, गैस निकलते सिलगाया भी आदमी वो अपने रेगुलेटर से लाइटर से सिलगाया, सिलगा के ऐसा एकदम आग फैल गई, हमारे वालदा जो है पूरा जल गए, हमारा भाई जल गए, इतना बड़ा हादसा हुआ हमारे घर में। गैस कंपनी वालों को कुछ भी दर्द है ना, ऐसा ऐसा है पब्लिक का अपने गैस हाँ बेच ले रहे दुनिया के महंगे गैस करके कमा ले रहे, लोगों के घर जलो लोगों चलो मरो क्या भी हो जाओ कुछ भी मदद करने को बोले तो भी नहीं आ रहे लोग। आज दिन हो गए हमारे अम्मी हमारे भाई यहाँ जेरे इलाज है हॉस्पिटल में, इतना महंगा हॉस्पिटल है, हमारे भाई और भी है उन लोग कर्जे कर रहे लोगों से क्या कहने, कई कई जगह खर्चे हो गए हमारे को, अब तक सब पूरे घर के लोग खानदान परेशान है, कुछ मदद आज तक नहीं हो रही, 15 दिन हो गए अब तक आज होती कल होती, हम लोग इतने खर्चे करके बैठे कि हम लोग कैसा फेड़ेंगे खर्चे, इन लोग कुछ मदद करेंगे तो खर्चे देंगे ना लोगों को, हम लोग अभी भी बोल रहे हैं उन्हें लालच नहीं मिलने को नहीं आ रहा, फोना नहीं उठा रहा, फोना करे तो क्या तो भी है, अगर क्या लोग बोल रहे जो भी मिलने आ रहे हमारे को ये गैस कंपनी वाला ऐसी छह नहीं अगर खराब गैस ला के देता बोल रहे नहीं लेना इसकी गैस ऐसी कंपनी बनते रहा एचपी गैस में आ रहे बोल रहे आरज नहीं रोजाना इसी करके सता रहे, आ जाते मिलते कल आते मिलते देखेंगे जो भी हुआ करेंगे बोल रहे, लेकिन आ रहे नहीं फोन उठा रहे नहीं मिलने कोई आ रहा नहीं, ऐसा सता रहे इन लोग रोज़ सर्दे हो रहे हमारे को रोज़ दो दो लाख एक एक लाख डेढ़ डेढ़ लाख लाखों की दवाइयाँ हो जा रहे सुबह से शाम तक, कहाँ से लाएंगे हम लोग। नाम मोहम्मद गौसपा शाह है, मैं एमआईएम पार्टी से एक लोकल प्रेसिडेंट हूँ, और जैसे ये चांद रात के दिन जो हादसा हुआ नज़ीर और बिस्मिल्लाह भी उनके वालदा जो है वो जल गए थे, तो एचपी कंपनी वालों को लोग कंप्लेंट करे सिलेंडर ख़राब है, तो कंपनी वाला क्या करा दो दिन से कंप्लेंट करे तो उसके बाद आया नहीं, तीसरे दिन चांद रात के दिन घर पर आया, आके जो है सो जो आदमी आके चक्कर आ घर में चक्कर के नज़ीर के वालदा बोले सिलेंडर चेंज कर दो बाबा बोल दो, नहीं नहीं अम्मा मैं बना देता हूँ सिलेंडर कुछ भी नहीं छोटा सा प्रॉब्लम है बोलते करा करके जो है सो कुछ लाइटर सिल गया लाइटर सिल जाके आग लग गई उनके वालदा को और नज़ीर को आग लग गई, उन्हें छोड़ के भाग गया, उन्हें भी बुझा लिया उसको भी आग लगी चले गए, हम प्रीमियर हॉस्पिटल लेके आए, और लेके आने के बाद 8 दिन से ट्रीटमेंट चल रहा पूरा प्रीमियर हॉस्पिटल में, तो एचपी कंपनी की तरफ से उनका कोई मैनेजर है उसका नाम है श्री का संतोष कुमार बोल के नाम है उसका मैनेजर है एचपी कंपनी का, उन्हें आके बोला आप लोग अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सिराज है, हकीम पेट हौसिया मस्जिद का ने एक जो है ना चांद रात के हादसा हुआ था जिसमें मेरे वालदा और मेरे भाई को जो है ना सिलेंडर की वजह से 35% जल गए थे, प्रीमियर हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करे ला के, तो गैस वाला जो आया था ना जिसकी आईडी थी उसको नहीं भिजा के उन्होंने क्या करे दूसरे को भिजा दिए जो अनट्रेन था ट्रेन करावा नहीं था, उन्हें आके जो ना हमारे वालदा बोल रहे हैं मत लगाइए बोले तो हम चेंज करके दूसरा लेते बोल रहे तो सुना नहीं उन्हें, नहीं सुन के जो है ना लगा के जो है ना लेटर सिलगा दिया उन्हें, सिल गए तो पूरा आग लग के जो ना हमारे वालदा और हमारे भाई 35% जल गए, प्रीमियर हॉस्पिटल में एडमिट है चांद रात से, अभी तक इतना खर्चा हुआ हम लोग उसको नहीं कर सके, हमारे भाई लोग मदद करे तो अभी तक यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो क्या आप अभी अभी उनके खिलाफ़ कंप्लेंट दिए? हम कंप्लेंट दिए पीएस में कंप्लेंट दिए ऑलरेडी, और FIR कॉपी वगैरह सब हमारे पास है, और वो लोग पीएस में ही बोले करेंगे काम ये आगे बोल के बोले थे, MLA साहब कहने भी गए थे हम लोग, MLA साहब को भी बोले ऐसा ऐसा हो गया बोले थे, MLA साहब भी छोड़ ठीक है हम भी करेंगे बोले, तो जो है ना MLA साहब हम लोग वहाँ फ़ोन कर रहे हैं तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठा रहे एजेंसी वाले, एक जने आए थे प्रीमियर हॉस्पिटल में आके जो ना वेरीफाई करे पूरा, हम लोग उनको फोटोआँ भी दिए बिल भी बताए सब करे कितना खर्चा होता सब बोले, बोलने के बावजूद भी उन्होंने जो ना दो दिन के बाद फ़ोन नहीं उठा रहे थे, MLA साहब कहने भी गए उनके वहाँ से भी फ़ोन कराए तो उनका भी फ़ोन नहीं उठा रहे लोग जो है ना आते आते बोल के हफ्ते ले ले रहे हैं खाली ऐसी। तो आप उन लोगों से जा रहे क्या? हम लोग कुछ भी नहीं चाह रहे भाई, हम लोग को जो है ना ये हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है ना पूरा खर्चा दे देना, और इसके बाद जो 6 महीने जो हम लोग को जो तकलीफ़ हुई
आगे जो इन लोगों को तकलीफ होंगी, जो इलाज करने के लिए पैसे होना, तो वो हम लोग को देना, हम लोग वही चाह रहे बस। और जो है ना ये गैस वाला या प्रीमियर हॉस्पिटल को आके वेरीफाई करा था, इसमें कितने, इसमें हमारे वालदा और हमारे भाई ज़ख्मी हो गए, और एक गैस वाला भी थोड़ा ज़ख्मी हो गया, वो कहीं नागोल में कहीं एडमिट हो गया लेकिन जाके वहाँ पर, तो बस इतना ही हो रहा था। तो बल्कि गैस की आईडी है, तो इन्होंने जो है ना किसी और को भिजा दिया ये आईडी पे, जो अनट्रेन था, बच्चा कुछ भी नहीं आता था, उन्हें आके ये काम करा, पूरा जला दिया, हमारे मम्मी को जला दिया, हमारे भाई को 35% जल गया, बहुत परेशान है हम लोग, आप देखिए इसको जो है हमारा उम्मीद है कि कुछ करेंगे ना हमारे लिए, बल्कि उनसे उम्मीद लगा के है हम लोग, आप हमारे लिए कुछ ना कुछ करिए, मदद करिए, बोलिए गैस कंपनी वालों को ये लोग परेशान हैं, इनकी मदद करो। अभी भी पैसा लग रहा नहीं लग रहा नहीं, इतना खर्चा होने के बाद भी अभी रोज़ाना पैसे लग रहे हैं वहाँ पर, अभी भी जख्म सुखरा नहीं उन लोगों का, परेशान है वो लोग अभी, और पता नहीं कितने पैसे लगते क्या आएगी, तो किसको मदद होना ना हमारे को गैस कंपनी वालों से।